हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहिन किचन 786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं दो गड्डी पालक को काट कर धो ली हूँ। धोने के बाद मैं कुकर में डाल दूँगी। उसके बाद इसमें नमक डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे दो तीन सीटी लगा कर बॉयल कर लूँगी। बॉयल होने के बाद इसे एक मिक्सर के जार में आप बारीक पीस लें। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आप पीस कर पेस्ट बना लें। और देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, कलर भी अच्छा है। फिर उसके बाद तीन कटी हुई मैं प्याज और टमाटर, तीन और हरी मिर्च, और उसके बाद काजू या आप बादाम ले लें। ये सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। आप कैसे बनाते हो पालक पनीर, वो भी मुझे रेसिपी बताएं। मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं इसे पीस ली। इसमें मैं थोड़ा घी डाल दूँगी, उसके बाद मैं रिफाइन ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा जीरा डाल दी, तेज पत्ता डाल दी, लाल मिर्च और हल्दी। इसको मैं थोड़ा सा भून कर फिर इसमें मैं जो मसाला बनाई थी उसे मैं ऐड कर दी। गरम मसाला कस्तूरी मेथी डालकर देखिए धीमी धीमी आंचों पे मैं भून रही हूँ। मीडियम आंच रखनी है। ढक ढक के मैं अच्छे से इसे मसाले को तैयार कर लूँगी। मसाला आपका जितना भुनाएगा टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैं देखिए क्रीम डाल दी। क्रीम डालने से क्या होता है कि पालक में भी बहुत अच्छी क्रीमी क्रीमी टेस्ट आती है। ये देखिए मेरा पालक पिसा हुआ था, वो भी मैं ऐड कर दी इसमें। और इसे भी थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लें कि आपका जो तेल और क्रीम का जो घी है थोड़ा ऊपर आ जाए। मैं थोड़ा सा शहद डाल दी है इसमें। शहद डालने से थोड़ा सा मिठास आती है। मैं थोड़ा सा पनीर इसे कद्दूकस करके हाथ से मल के डाल दी। अब इसमें पनीर ऐड कर दी। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं दूध ऐड की हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें क्या ऐड करना है, पर आप दूध ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। देखिए इसमें से तेल भी छोड़ चुका है। ये कितना टेस्टी लजीज सा पालक पनीर मेरा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी, पूड़ी, नान किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और क्रीम के को सर्व करें। लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब।